नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना कुर्सी बचाए रखने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कई विभागों के मंत्री बना रखे हैं और सरकार में जमकर लूट खसोट हो रही है। इस सरकार को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं। वहीं विपक्षी एकता का नाम इंडिया रखे जाने पर कहा कि इंडिया का नाम रख कर विपक्षी एकता कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि यह तमाम लोग भ्रष्टाचारी। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक जब पटना में हुई थी तो उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मानी गई तो वह नाराज होकर चले गए थे। उसी प्रकार से बेंगलुरु की मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश संयोजक नहीं बनाया गया जिससे नाराज होकर नीतीश बेंगलुरु से पटना लौटे। उस समय अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं मानी गई तो निकल गए। इस बार इनकी बात नहीं मानी गई, इनको लगा कि संयोजक का घोषणा हो जाएगा, नहीं हुआ तो निकल गए। अगली बार हो सकता है कि इनको संयोजक का घोषणा कर दें। लॉलीपॉप भी तो दिखाना है। सब जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबे लोग को भारत की जनता उनको सत्ता नहीं देगी। आप इंडिया बना लिए, इंडिया को लूटने वाले इंडिया के नाम पर लूट की छूट चाहते हैं तो इंडिया के लोग, भारत के लोग इंडिया को लूटने वाले को, जनता की गाढ़ी कमाई खाने वाले को, उस भ्रष्टाचारी को, उस आतंकवादी उग्रवादी और अपराधी को संरक्षित करने वाले को तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होगी। और इंडिया को अंग्रेजों ने इंडिया कहा था, 21वीं सदी का भारत है जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये 21वीं सदी का भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा। भारत की जनता मन मिजाज बना चुकी है, ये इंडिया रख ले या इंडिया के अंदर ही समा जाए, अच्छा है कि दो दलीय व्यवस्था देश के अंदर बनने जा रहा है। ये भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उपलब्धि है कि दो दलीय व्यवस्था, एक दल भाजपा का होगा और एक दल कांग्रेस का होगा। कांग्रेस के बैनर तले तमाम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ करके आने वाले जमात खड़े हो गए हैं, ये लोकतंत्र के लिए शुभ है। मंत्रिमंडल का विस्तार से अब कोई अंतर पड़ने वाला है क्या? जो एक वर्ष एक व्यक्ति के हाथ में बजट के आधे भाग थमा दिया गया, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, RWD, आपके नगर विकास, तमाम विभाग एक व्यक्ति के हाथ में लूट की छूट मिली हुई है कि मेरी कुर्सी बरकरार रखो, बाकी जितना लूटना है, बिहार के अंदर विकास हो या ना हो, हमारी कुर्सी बची रहे, सरकार चलती रहे। ये पूरी तरह से सत्ता के लिए, एक व्यक्ति सत्ता में रहने के लिए समझौता कर रहा है, दूसरा व्यक्ति सत्ता से हटाने के लिए संयोजक बनाने के प्रयास में लगा है और एक दूसरे को ठगने में लगा है। बिहार की जनता ठगा रही है, बिहार की जनता का विकास रुक गया, बर्बादी के नायक, इन दोनों से बिहार मुक्ति चाहता है। आने वाला 23-24 के चुनाव के पहले ही बड़ा चमत्कार बिहार में होगा।